कैसा है शाहरुख खान का कमबैक? क्या पठान बचा पाएगी बॉलीवुड की बची कुची इज्जत? जी हाँ, तो भाई आ चुका है पठान का ट्रेलर और इस ट्रेलर ने आते ही बहुत सारे हिंट्स दे दिए हैं कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी या फिर शाहरुख के फैंस का दिल टूटेगा, क्योंकि फिल्म तो बॉस हॉलीवुड लेवल की बनाई गई है। अगर बात करें यहाँ फिल्म की स्टोरी लाइन की तो आपको थोड़ी सी ये जानी पहचानी सी लग सकती है, क्योंकि वही कॉप टेररिस्ट का चेस, स्पाई मिशन, देशभक्ति और द एंड कहानी में कुछ नयापन नहीं है जो ऑडियंस को उतना अट्रैक्ट कर सके। पर अगर कुछ खास है इस फिल्म में तो वो है स्पाई यूनिवर्स की थोड़ी सी हिंट देना ट्रेलर के स्टार्टिंग में, जिससे हमारी जनता शायद ही कुछ समझ पाएगी। दूसरा ये कि इतनी कॉन्ट्रोवर्सी होने के बाद पठान अपने आने से पहले लोगों के बीच में इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि इसे आप किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बात करें यहाँ अगर और कैरेक्टर्स की तो बॉलीवुड में और फिल्मों की तरह जहाँ एक्ट्रेसेस को मूवीज में साइड हीरोइन की तरह ट्रीट किया जाता है, वहीं दीपिका इस फिल्म में धमाकेदार स्पाई एजेंट के रोल में तोड़फोड़ एक्शन करते हुए दिखाई दे रही हैं। जॉन अब्राहम जो इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाई देंगे, वो भी शाहरुख के साथ टक्कर का एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब इतना एक्शन और धमाका हो रहा है कि एक्टर्स ही आउट ऑफ द स्क्रीन हुए जा रहे हैं। पर इस फिल्म में अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो फिल्म इंडिया के आईमैक्स कैमरा से शॉट की गई है, जो इंडिया की फर्स्ट डॉल्बी सिनेमा होगी। और फिल्म में इससे भी अगर कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो वो है स्पाई यूनिवर्स का वो लोगो, जिसमें शाहरुख सलमान लोगो स्पाई यूनिवर्स के हीरोज की तरह इस फिल्म में एक साथ दिखाई देंगे। वेल, ऑडियंस को स्क्रीन तक खींच के लाने के लिए शाहरुख खान का नाम ही काफी है, पर आइसिंग ऑन द केक है इस फिल्म में स्पाई यूनिवर्स का प्रेजेंट होना। अभी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि पठान की हाइप वाकई लोगों को मूवी थिएटर्स में इतना चीयर अप कर पाएगी, ये तो 25 जनवरी को ही पता चलेगा। वेल, शाहरुख के ऑलमोस्ट 5 साल के कमबैक के बाद आपका क्या है इस पर विचार, मुझसे जरूर शेयर करिएगा। रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। टिल देन थैंक यू।